बैडमिंटन जगत की नई सनसनी बनकर उभरे किदाम्बी श्रीकांत ने ऑस्ट्रेलियाई सुपर सीरीज के फाइनल में चीन के चेन लॉन्ग को हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए टाइटल अपने नाम कर लिया। श्रीकांत की इस जीत ने देश का नाम बैडमिंटन जगत में भी रोशन किया। श्रीकांत की शानदार जीत के साथ ही ट्विटर पर उनको बधाई देने का तांता लग गया। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर तक उन्हें बधाई देने की फेहरिस्त में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हम श्रीकांत की ऑस्ट्रेलियन ओपन में शानदार जीत को लेकर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। मैं उन्हें एक और शानदार जीत पर बधाई देता हूं। मोदी जी ने कुछ दिन पहले मन की बात में श्रीकांत का जिक्र करते हुए कहा था कि बैडमिंटन खिलाड़ी श्रीकांत ने हाल ही में इंडोनेशिया ओपन खिताब जीता, देश को उन पर नाज है। खेल मंत्री विजय गोयल ने भी श्रीकांत की सराहना करते हुए ट्वीट किया कि श्रीकांत का सफलतम दूसरा सुपर सीरीज टाइटल ओलंपिक चैंपियन चेन लॉन्ग को 22-20, 21-16 से हराकर ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज के विजेता बने, आप पर गर्व है। तेंदुलकर ने भी ट्वीट करते हुए श्रीकांत को जीत की बधाई देते हुए लिखा कि लगातार दूसरा सुपर सीरीज खिताब जीतने पर श्रीकांत को दिल से बधाई, आप चैंपियन हैं और हमें आप पर गर्व है। महानायक अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, देश के लिए गौरव का पल। इस जीत के साथ ही श्रीकांत ने इतिहास में भी जगह बना ली है। वो लगातार दो सुपर सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी और दुनिया के छठे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले उन्होंने इंडोनेशिया ओपन खिताब अपने नाम किया था।